राजस्थान में छात्रों को ये क्या हो गया है? लगता है चुनावी साल में राजस्थान के छात्र नेता भी अपनी राजनीति चमकाने उतर गए हैं, और राजनीति ऐसी चमका रहे हैं कि सामने कौन बैठा है इसका होश भी नहीं रहता। जी हाँ, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या पूर्व राज्यपाल, राजस्थान के छात्र नेताओं को अपनी राजनीति के आगे कोई नजर नहीं आ रहा। आपने कुछ दिनों पहले जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने छात्रों की दबंगई देखी, जहां मंत्री जी के सामने ही निर्मल चौधरी को तमाचा पड़ गया। अब जरा भरतपुर चलिए और एवीवीपी के छात्रों की गुंडागर्दी देखिए। भरतपुर के महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन होना था, जिसमें बतौर अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कई कांग्रेसी नेता बुलाए गए थे। बस यही बात एवीवीपी के छात्रों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सत्यपाल मलिक के सामने ही जूते चला दिए। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें कुछ छात्रों में आपस में विवाद हो गया, इनमें कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सत्यपाल मलिक से छात्रों को इतनी क्या दिक्कत हो गई कि उनके सामने ही जूते चला दिए। तो सुनिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, इन दिनों सत्यपाल मलिक अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर हैं, जिन्हें अब बीजेपी विरोधी भी माना जाता है। और भरतपुर के जिस यूनिवर्सिटी में ये आयोजन हुआ, वहाँ के अध्यक्ष एबीवीपी के हैं, और एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है। तो भला एबीवीपी के अध्यक्ष महोदय को ये बात कहाँ पचनी थी कि उनके कार्यालय का उद्घाटन सत्यपाल मलिक के हाथों हो। बस इसी बात पर एबीवीपी के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताजी पर जूता चला दिया, और इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पलसाना खेल बोर्ड के अध्यक्ष सतवीर चौधरी के सामने ही छात्रों की महाभारत शुरू हो गई। जमकर जूते चले और खूब गाली गलौच भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने फौरन उत्पात मचाने वाले तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, और फिलहाल आगे की जांच जारी है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।